महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक सेवेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष जावेद अमीर साहेब यांच्या बरोबर आलेले चाळीसगाव शेख साहेब या शहराचे अध्यक्ष अभिषेकजी पाटील, महिला अध्यक्ष मंगलाताई पाटील, अश्विनीताई देशमुख, माझ्या सर्व सर्व मान्यवर अशोक भक्ता अधिकारी आणि मायनॉरिटी सेलचे सर्व अधिकारी पदाधिकारी आज का वो प्रोग्राम है जावेद अमीर साहब के आंगन में यहाँ रखा हुआ है। मैं शुरू करता हूँ उस खलीगे तैनात के नाम से कि जिसने तुम्हें हमें कोरोना जैसी बीमारी से बचा के रखा, जिसकी वजह से आप यहाँ जीवंत बैठे हुए न तो उस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग हमें से जा चुके हैं। ये जो प्रदेश अध्यक्ष कार्याध्यक्ष इनके तीन रूप में किए हुए हैं कि नागपुर, अमरावती और नासिक, ये जावेद अमीर साहब की जुम्मे हैं। और प्रधान साहब जो है, जो अध्यक्ष है, उनके जुम्मे कोकण है, औरंगाबाद है और मुंबई है, मुंबई सॉरी जो इनके तरफ है अपने जिससे
जमीन का फर्श बिछाया, आसमानों का शामियान लगाया, जिसने नजर दी, नजारे दिए, दरिया के किनारे दिए। हम तो सुना उस खास सारे कायनात की राह से कल बचा है कि जो डाल डाल को फूलों की शाल देता है, पेड़ पेड़ पौधों का जाल देता है, कभी जमीन को देता है शबनमी चादर, कभी जमीन से लावा उबाल देता है। उसी के दम से है महलों में रोशनी कुमकुम, वही गरीब की कुटिया को उजाल देता है, किसी को रास्ता देता है समंदर में, किसी के कांसे में ताला डाल देता है, अंधे ख्वाबों को वो सुलों का तरा जो देते। मेरे मौला हम सबको जज्बा पर काबू देते। मैं समंदर भी किसी और के हाथ से न लू, एक कतरा के समंदर है, मैंने सामने सजा के है मेरे प्यारे फूलों में खुशबू देते। मौने जनाब मैं खुदा की तस्वीर, उसके नाम की तस्दीक होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब पर भी सलाम पाक की तस्दीक होती है, कोई मारस नहीं उसके जो आलम की बस्ती में जहालत जिससे दौड़ की तस्दीक होती। माननीय सम्मानीय व्यासपीठ, शुरू कर तो अल्लाह का नाम है, जो दयालु वो परम कृपालु है, सर्वसृष्टि तरफ स्तुति फक्त अल्लाह साठी आहे, जो सर्वसृष्टि तरफ आहे, जो दयालु वो परम कृपालु है। निवाड्याच्या दिवसाचे स्वामी आम्ही तुझीच बंदगी करतो, तुझीच आराधना करतो, तुझीच पूजा करतो, आम्हाला सरळ मार्ग पाहतो, तो मार्ग ज्यांना तू इनाम बहाल केले, जे कधी प्रोक्त झाले नाही किंवा बदप्रक्त झाले नाही। मला या ठिकाणी मान्यवरांचं त्यांच्या सोबत बोलण्याचं एक परवानगी दिली आहे। तुम्हाला सबसे पहले बताता हूं हमारे स्वर्गीय नेता डॉक्टर मलिक साहब के बारे में, सिर्फ ये कहूंगा कि कुछ इस तरह से रहे रोगी गुलिस्तान का, कुछ इस तरह से रहे रोहित गुलिस्ता बनकर कि उनके बाद भी उनकी महे चालीसगांव जलगांव और पूरे महाराष्ट्र में रहेंगे। मैं आप तमाम चैनल से उन्हें किराए की दर पेश करता हूं। यहां पर जो हमारे मेहमान आए हुए जावेद हबीब साहब का है, जो नागपुर से तशरीफ फरमाए, जिन्होंने एक छोटे पद से शुरुआत करकर तालुके से शुरुआत करकर जिले में गए, जिले से आज प्रदेश में गए। हम सबके लिए एक सबक है कि अगर इंसान कोशिश करे और पार्टी का अगर दिल लगा के करे तो वो कामयाब होता है, अल्लाह उसे बुलंदी पर पहुंचाता है। इसके लिए कहते हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और आज वो हमारे यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनके बारे में यह कहूंगा कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा नजम चला है, उत्तर महाराष्ट्र के दौरे पर है, तो उनका एक ही है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ऐसी बहुत खूबसूरत और एक अजीब शख्सियत है, हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे बीच में है, यहाँ पर तशरीफ फरमा है। उसके बाद आप सब जानते हैं हमारे रविंद्र भैया साहब को, जो कि जलगढ़ जिला के सदर है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, बड़ी नामवर शख्सियत है, बड़ी जानदार शख्सियत है, जो हमारे जिले की आन बान और शान है। उनके बारे में ये कहूंगा कि अनगिनत मस्तियों से गुजरा हुआ है तब आप बलंदी तक पहुंचा हुआ है, अनगिनत मस्तियों से गुजरा हुआ है तब आप बलंदी तक पहुंचा हुआ है, एक पौधे से पेड़ होने का किस कदर आंधियों से गुजरा हुआ है, ये हमारे रविंद्र भैया साहब है जिन्होंने बड़ा अच्छा काम को अंजाम दिया है। अब अगर उसकी अगली कड़ी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उसका नंबर आता है हमारे
जिला उपाध्यक्ष जो 40 वर्ष तशरीफ फरमा है, हमारे जलगांव जिले की क्या उत्तर महाराष्ट्र के निकले खाने से दो जिले कहा जाता है, मेरी मुराद है भाई साहब अलाउद्दीन खाना जो बड़े अच्छे काम पर अंजाम देते हैं, कौमी तंजीम के अध्यक्ष है, त्रिमूर्ति एजुकेशन के सत्र है, उसी तरह जलगांव जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। उनके बारे में बहुत कुछ कहना है लेकिन मेरा ये होगा कि न जाने किस किस को मददगार बना देते हैं भाई साहब, न जाने किस किस को मददगार बना देते हैं, वो दो दिन की कोई पतवार बना देते हैं, लफ्ज उनके होटों पर फूलों की तरह मिलते हैं, बात करते हैं तो गुलजार बना देते हैं। उन्होंने मंत्री पद की शादी छोटे पैमाने में करने की कोशिश की, शिक्षण बेदारी मुहिम चलाई और मौलाना से बहुत से बच्चों को उन्होंने लोन दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा किया, उसी तरह एजुकेशन लोन दिलाकर बहुत से चाइल्ड के बच्चों को जलगांव जिले के बच्चों को उन्होंने डॉक्टर पर बनाया, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाड़ी लगाकर उनका इतना साथ। जावेद अली साहब यहाँ नहीं थे इसके लिए मैंने एक बच्चा के रखा था कि मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि गुलशन के दिल खड़े नजारों से पूछो, गुलशन के दिल खड़े नजारों से पूछो, मेरा मैं भी तो पहाड़ों से पूछो, हर शहर में रोशनी आपके जमाल की, हर शहर में रोशनी है आपके जमाल की, मेरा मैं भी तो इन सबसे पूछ लो। मैं आप तमाम को एक मुबारकबाद देते हैं, हमारे मंच साहब से गुबरगन मेजा साहब इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ और उन्हें ये कहता हूँ कि आगे जो वालिद की जो बात है उसे आगे बढ़ाओ और आप जरूर बढ़ाएंगे। मैं उनके बारे में इसे कहता हूँ वो शख्स को जानवान जैसा है, वजूद उनका मुकम्मल चट्टान जैसा है, किसी भी हाल में झुकना उनको कबूल नहीं, वो इंसान है मगर गुलाब के फूल की जैसा है। धन्यवाद। अरे एक साथ आपने तो साहब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, बता रहे कितने की नजर बदल गई तो नजारे बदल जाते हैं, अगर कश्ती ने किनारा नौ बदल लिया तो किनारे बदल जाते हैं, हमें राष्ट्रवादी की नौ का पूरी चलानी है और पूरी किनारे लगाना है। इस तरह से धन्यवाद साहब कल्याण साहब आपके लिए सर। जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीच्या वतीने आपल्याला मार्गदर्शन करते आज के हमारे किसी छोटे कहानी धारा बैठक के सम्माननीय माननीय प्रदेश कार्याध्यक्ष जनाब जावेद अली साहब, हमारे जलगांव जिले की दिलों की धड़कन और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मजबूती से पहिया पकड़ कर रखने वाले और हमको भी एकदम सरकन नहीं देने वाले ऐसे भैया साहब हमारे जलगांव जिले की तो जलगांव जिले की अच्छी शख्सियत और सारे समाज को लेकर चलने वाली शख्सियत का नाम है रविंद्र भैया साहब, जो हमारे जिला अध्यक्ष ऐसे हमारे अभिषेक पाटिल साहब, हमारे यहाँ पर मरूम हाजी साहब जो 40 साल हमारे बहुत करीब रहे, 40 साल से मैं उनके करीब था, पक्का दादा कम से कम से 20 प्रोग्राम मैं हम साथ में चला गया, ऐसे मरूम भाई साहब जो हमारे अच्छे रहनुमा थे, आज उनके ऐसा भी बोला कि उनके आज हमारी नहीं हुई, इससे मुझे लगते पहले हमने मिजाज मलिक साहब यहाँ प्रदर्शित होगा मुझे लगता है कि साहब बोलता हूँ कि हमने जब मैं जिला सरकारी अध्यक्ष था आपके संज्ञान में
जैसे हमारे मुन्ना भाई, ईश्वरी भाई, युवा के क्या है तो हमारे माले जी जैसे हमारे और हमारे शहर के अध्यक्ष डॉक्टर रिजवान जी, हमारे अनुसर जी, माले जी, माले जी, मैं जब से हूँ जब से कार्यालय भी नहीं था 1900 नंबर नहीं आप क्या गिरा पास साल का क्या गिरा मेरा जब से कार्यालय नहीं था सलीम नामदार साथ में थे हमारे और मुन्ना भाई हमारे साथ में थे जब से कार्यालय नहीं था जब से तो आज तक हम साथ में ही पक्ष के जब भी भैया साहब हमारे अच्छे से थे और तब भी भैया साहब कि आज के आपके नेतृत्व में आपको काम करने का मौका मिला है ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। गाड़ी तो बजाय अपने पर वजह इसकी ऐसी रहती कि सब समाज को लेकर चल रहे हैं लोग नहीं आए आज जातिवाद इतना बढ़ गया है कि हमारे भैया साहब जैसे सबको लेकर चल रहे हैं व्यक्ति जो है वो बहुत कम है उनमें से हमारी उपस्थिति है। वैसे हमारे सब आदमी मेरे सामने बैठे सारे अल्प संख्या के पदाधिकारी पत्रकार बंधु हमारे सामना है हमारे किसको किसको जो आप भैया साहब जो हमारे लीडर है हमारे नेता है वो बड़े बड़े मार
लॉकडाउन असर करेगी। बताओ कितने लोगों को लॉकडाउन में हमने रिक्शा वाले को, काम वाले को, मिस्त्री को, कितने लोगों को जाके हमने पैसे दिला, कोई उंगली उठाएंगे? मैं ये भी बोलूंगा कोई नहीं उठाएंगे। देखो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग माइनोरिटी के, तो माइनोरिटी को आप लोग कैसा फायदा पहुंचाएंगे? आप लोगों को ये भी सोचना है, संगठन मजबूत करने के बाद अगर आप लोगों ने एक आदमी को फायदा पहुंचाया तो इलेक्शन में वो पूरे खानदान को बाहर उठा देंगे। एक आदमी कैसे निकाल रहे होंगे इतनी स्कीमें आती? चार स्कीमें ऐसी है जो सबको 1000 रुपए, 1500 रुपए, और अगर एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसके लिए 20,000 रुपये, अचानक मौत आ गई तो उसके लिए 20,000। ये मैं ज्यादा बोल भी नहीं हूँ, संगठन की बात कर रहा हूँ। ये आगे चल के कभी मीटिंग होगी, भैया साहब उनको परमिशन देंगे, भैया साहब परमिशन देंगे तो आगे जरूर हम उनको मार्गदर्शन करेंगे। और ये बातों पर हमको ख्याल, अभी हमने पहला बाबू ने मांगनी किए थे हमको, सेकेंड जवाब थे नवाब मलिक साहब से, मैंने उनसे भी मीटिंग किया है और हसन मुसीब साहब से भी मीटिंग की, और 500 करोड़ रुपए की हमने मांगनी किए, 500 करोड़ रुपए नहीं दिए उन्होंने, 591 करोड़ रुपए हमारे फंड में जमा हुए। आप लोगों को लगता है मैं पक्ष कह देता, पार्टी कह देती, अरे आप लोग मालूम है दोनों यार, मेरे प्यारो मालूम है और 500 करोड़ रुपए पूरे मॉनिटर के खर्चे के लिए है, उसको कैसे खर्चा करना है? भैया सपा जी हमारे नेता है और वो हाथ जरूर मेहनत करें, और कई कम पड़ते हैं तो भैया साहब फोन करेंगे मिनिस्टर को, साहब हमारा हम यहाँ जिले में कम पड़ते हैं, कलेक्टर के साथ मीटिंग लगाएंगे और साहब को बोलेंगे, हमारे नेता को बोलेंगे, साहब को हमारे एक दिन दो आधा दिन दो 10 मिनट दो घंटा दो, भैया साहब कलेक्टर से मीटिंग लगाएंगे। बताओ आज तक कलेक्टर साहब की मामले मुंह देखे तो कभी किसका कलेक्टर साहब मामले दरबार नहीं जाते उनको कलेक्टर बस के? मेरा ये ऐसा कहना है क्या जावेद अभी साहब आए हमारे सामने बैठे, हमारे नेता भैया साहब हमारे सामने बैठे, मैं चाहूंगा भैया साहब ने जितना विश्वास हमारे पे डाला है, जितने लोगों को पदाधिकारी बनाया है उन्होंने उसका मान सम्मान रखते हुए, और पवार साहब हमारे साथ नहीं रहते हमारे पीछे रहते, अब उनका विश्वास हमको जीतना है, उनका भरोसा हमको जीतना है, सिर्फ पेपर लेके हमको काम नहीं करना है, और पदों को लेना है अगर आपको कानून अध्यक्ष है तो उसको पूरे कार्यक्रम नहीं बनाना है। भैया साहब और आप जो भी हम जिलाध्यक्ष बनाएंगे, मैं तो मेरी बहन पौड़ी का है, मैं भी मशवरा दे सकता, सलाह दे सकता, क्या जो भी बहन पौड़ी का जिलाध्यक्ष बनाएंगे, शहर अध्यक्ष बनाएंगे, उनको बैठा के भैया साहब के सामने हम खुद बोलेंगे कि भाई आप ये काम कीजिए, ये दूरी पे आप काम कीजिए, ये दूरी पे काम कीजिए, हमारे लोगों तक पहुंचिए। मैं व्यक्ति के साथ कहता हूँ अगर कोई आप तक पहुंचने वाला है तो जरूर आप उनके साथ आए, मगर मेरे भाइयों का भाइयों तक कोई पहुंचने को तैयार नहीं रहता तो आप लोग भी क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? तो हमको बदलना पड़ेगा, और भैया साहब ये राजपाट बदल जाने वाले, हमको बदलना पड़ेगा। अगर वक्त की नजाकत देखिए आप, अगर आप भी आज भी नहीं बदलेंगे तो अनवर मियां हम कहीं भी नहीं रहेंगे। एक शेर बोल देता हूँ उस पर कि दौर बदलेगा रफीक मियां, दौर बदलेगा राज बदलेगा, ऐसा भी राज बदलने वाला है बिल्कुल, दौर बदलेगा राज बदलेगा, दुनिया का ये मिजाज बदलेगा। दोस्तों हम अगर बदल गए तो दोस्तों के समाज बदलेंगे, हम बदलेंगे तो समाज बदलेंगे, हम बदलने को तैयार नहीं, कोई पहले बहुत अच्छा है, और नेशनल कांग्रेस आ गए, एक नंबर का पक्ष बनते जा रहे हैं, हमारा भी एक नंबर का पक्ष है, हमारे पवार साहब हिंदुस्तान में नेता है, आप वो यहां वाले लोग उधर बरबर तक तो मद्रास की नेता, उसका वो मुख्यमंत्री का नाम तो बोल सकता है कोई भी बोलना बोलना बोलना, जो जानने वाले जो वो छोड़ के मैं बोलता हूँ कोई नहीं बोलेगा, मगर हमारे महाराष्ट्र का शेर, हमारे महाराष्ट्र का गांधी राजा शरद पवार साहब एक ऐसी शख्सियत है कि पूरा हिंदुस्तान की जमान पर उनका नाम है, पूरे हिंदुस्तान को लेकर चलने वाली शख्सियत है। अगर हम उनसे उनकी पार्टी में रहिए, अगर हमारे लोगों तक लोगों तक उनके अधिकार नहीं पहुंचाए तो ये अब्दुल सलीम का मान भैया साहब हमारे नेता कुछ कर सकते, जावेद अली साहब कुछ कर सकते, ना हमारे हमारे सबको साथ लेकर चल रहा है।
हमारे बैठक का फीस का पैसे थे, मगर बैठक ऐसा हुआ कि सिर्फ 2000 रुपये के फर्क से भैया साहब हम 2500 रुपये अच्छी तरह होंगे। देखो भैया साहब को मालूम है आज ये टेबल पे हमारा मिनिस्टर रहता था, हालांकि मंत्री रहता था, हमारे बैठक कैसे हो गए मलिक साहब, बहुत बैठक हो गया हमारे। और सलीम इनामदार जी हमारे बहुत दुनिया से दोस्त भाई, ये भी हमारे साथ रहे हमेशा, 22 साल हो गए अल्लाह का एहसान है, हमने आज तक ना पक्ष बदले ना पार्टी बदले, हालांकि खासदार हमारे गांव का है, आमदार हमारे गांव का है, हमने कभी मजबूत रहना है, पार्टी पार्टी छोड़ दो, हमारी जंग ये बाकायदा, और ये जंग में ऐसे लोगों का साथ देना हमको जो हमको लेकर चलते, हमारे विश्वास को लेकर चलते, बोलने के लिए बोले जावेद अभी साहब है और इतने क्यों मैं जाकर विश्वास से भैया साहब से कि हम जो जिला से बनाना है स्कूल को बनाना है वो हमारे विश्वास का होना और उसने ना और पार्टी को मजबूत करना भाई लोगों सुनी सर भाई का मतलब सुन गया जिला परिषद का कुछ माइनॉरिटी के लोग तो रहते नहीं सिर्फ नगर पालिका है आ जाते नगर पालिका है हमको पंचायत समिति भी लेना भैया साहब के आदेश हमको मानना है पंचायत समिति भी लेना है हमसे अभी जा रहा हूँ यहाँ को हमारे साथ लेना मैं खुद निकलने वाला है दौर पे भैया साहब की परमिशन लेके और पूरे जिले में मैं काम करने वाला हूँ सिर्फ मैं कोई पद लेके काम नहीं है मैं बहुत काम किया हूँ इसके आगे भैया साहब के आदेश से मैं बहुत काम करूँ सबको लेके करूँ हमारे दादा को लेकर चलकर करूँ हमारे पीछे जो नेता बैठ में बैठे उनको लेकर करूँ इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ आगे आपकी जुबान से जरा मार्गदर्शन कीजिए अच्छी तरह से। आज की जर्सी के सत्र अली जनाब मोहतरम जनाब भैया साहब रविंद्र पाटिल साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जनाब चालक साहब हमारे एचआर मलिक साहब अली मलिक साहब अब्दुल साहब पप्पू भाई रवि भाई हमारे युवक जिला अध्यक्ष यहाँ तशरीफ फरमा है हमारी न्याय विभाग के जिला अध्यक्ष साहब अरविंद मंगली हमारी महिला महानगर अध्यक्ष मंगला ताई अश्विनी ताई देशमुख साहब यहाँ मौजूद है रह गए ऐसा नहीं है हम पूरे मिलत हर गांव हर गली के मोहल्ले के लोग
के लफ्जों में नहीं कर सकता और मेरे को बोलते थे तो बहुत जल्दी बुरा होगा इनामदार। हम एक मरतब बॉम्बे गए थे तो वो इतनी स्पीड में वो मंदिरों से नीचे उतर गए कि क्या लिख तो पकड़ा था, तो वो वहां खड़े किया, मैं नीचे धीरे धीरे उतर रहा था साफ साफ बात हो रहा था, तो इतना हंस रहे थे कि यार इनामदार बने तुम बॉम्बे की राइड ले। एक मरतब रात को 3 बजे हम बॉम्बे में उतरे, रात को पकड़ी ट्रेन पकड़नी थी, तो इतना स्पीड में उन्होंने ट्रेन पकड़ लिया ऐसा और मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रहा, जुनून इतना प्यार इतनी मोहब्बत ये चीज लोगों की मोहब्बत की वजह से होती है और काम करने की वजह से। काम करके इंसान के अंदर अगर जुनून है तो वही इंसान अपने एक एम को लेकर आगे बढ़ता है। 2007-08 से हाजी साहब ने जो जोश पकड़ा था तो माशाल्लाह जिला उपाध्यक्ष से जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष, ऐसी पद हासिल करते करते अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष, ये छोटी पद नहीं है, मैं समझता हूँ कि जलगांव के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि वो पद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को नवाजा और ये अपने कामों में बदला था। एक मिनट में फोन किया जाए अरे हजार की जयंती है इनका पुण्य तिथि है ऐसा है वैसा है तो पहुंच जाते थे। कर्ज दिया जा रहा है, साथ में मुकाबला है।
चरण में जो बेरोजगार जो एकदम टूटे हुए लोग हैं तो उनका मसले हल हो जाए। प्रशिक्षण की भी बात करने वाला हूँ और एक उदाहरण जैसी है कि अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप, अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाई के लिए हमारी शासन में पहली मरतबा 1999 स्कॉलरशिप देने का काम चालू किया। एजाज भाई बहुत फख्र की बात है हमारे लिए कि एक बच्चे को इंजीनियर बनाने के लिए, एक बच्चे को डॉक्टरी, बड़ा एजुकेशन हासिल करने के लिए हमने 25,000 रुपए सालाना स्कॉलरशिप दिया और दे रहे हैं। मगर तब स्कूल की फीस थी, कॉलेजों की फीस थी 50,000 रुपए, हम दे रहे थे 25,000। अब वही कॉलेज की फीस लगी 75,000 रुपए। इंजीनियरिंग कम हो गई क्योंकि पढ़ाई के ऊपर ध्यान कम हो गया। मगर अब डी फार्मा भी आप भैया से हमारे में ज्यादा बोल नहीं सकता, मगर इनकी फीस 1,00,000 रुपए हो गई और हमारे को ऐसी गुजारिश की आप कम से कम 35-40-50 उसको बढ़ाकर करवा दीजिए। आप ऊपर बात कीजिए ये बैठक के ऊपर कि हमारी स्कॉलरशिप किस तरह से बढ़ाकर देंगे, हमारे बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे बुजुर्ग जो हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको रहने को